हम शहर के लोगों से यह कहना चाहते हैं कि हम चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति और शिव बरात आयोजन समिति और इंद्रपुर युग नवयुग समिति सभी लोगों ने मिलकर एक भव्य रामोत्सव का निर्माण यहाँ रामोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, उसमें हम शहरवासियों से कहेंगे कि आप सब परिवार आएँ, बाल बच्चों को लेकर आएँ, आप यहाँ के कार्यक्रम को देख के ऐसे आपके बच्चों को भी एक सीख मिलेगी, प्रभु राम की जीवनी को जानने का नाट्य मंचन द्वारा यहाँ कार्यक्रम है वो जानने का मौका मिलेगा, आपको यहाँ के सुंदरकांड हनुमान चालीसा जब आपके बाल बच्चे आप सुनेंगे आप मंत्रमुग्ध होंगे, आप में अपने सनातन होने का गर्व भी महसूस होगा, आप हिंदुत्व के प्रति आप जागरूक होंगे आज के बच्चे। हम इस कार्यक्रम में राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लगातार पूजा पाठ का आयोजन है, प्रसिद्ध गायिका स्वाति मिश्रा जी का भजन संध्या है, आप शहरवासी को कहना चाहेंगे लोग आए यहाँ पे और रामोत्सव का उत्सव का आयोजन में भाग लें, प्रभु की सेवा करने का अपने आप को मौका दे और उनके आशीर्वाद वहाँ जो कलाकार आ रहे हैं जो साधु संत आ रहे हैं उनके आशीर्वचनों से अपने ज्ञान को भी ले। हमारे लिए गर्व का पल है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमारे रामलला 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान होने के लिए तैयार है। इस शुभ अवसर पर चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति में युवराज सुधीर सिंह जी के मित्र रमेश जी के द्वारा आयोजित रांची के मेन रोड में 21 और 22 जनवरी को भव्य राम उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें मैं 21 तारीख को अपना परफॉर्मेंस देने वाली हूं आप सबके बीच, तो आप सब सादर आमंत्रित। भगवान राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का हो रहा है आयोजन, 21 और 22 जनवरी को रांची के मेन रोड में पूरे परिवार के साथ राम उत्सव में भाग ले। चित्रा के सांसद सुनील सिंह ने अयोध्या जाने के लिए धनबाद से सीधी ट्रेन चलाने की मांग की है, वहीं पलामू के सांसद बीडी राम ने शक्तिपुंज ट्रेन के विलंब से चलने पर मंडल संसदीय समिति की बैठक में डीआरएम के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, वहीं डीआरएम ने धनबाद रेल मंडल के अधिक राजस्व संग्रह पर सभी सांसदों का भी आभार जताया। हम लोग घर पर रहते हैं, जनता का जनता जनता आती है और खासकर ट्रेन का मांग ठहराव की मांग करता रहता है और उसी की अभ्यर्थी हम लोग आकर बैठक में करते हैं, कोई अपनी अभ्यर्थि नहीं है, उस ट्रेन का उपयोग करने वाले हैं ना उसी स्टेशन का उपयोग करते, जो इस स्टेशन का उपयोग करते हैं वो अच्छी स्टेशन, जिस ट्रेन का उपयोग करते हैं वो अच्छी ट्रेन हम लोगों को उपलब्ध है, लेकिन जब प्रेस और मीडिया कोरोना काल में बंद हुए सो अभी तक उनका परिचालन प्रारंभ नहीं हुआ था, तो उसमें भी हम लोगों का कहना था कि वो उनका परिचालन प्रारंभ होना चाहिए, क्योंकि वो पैसेंजर ट्रेन है और पैसेंजर ट्रेन से गरीब लोग ज़्यादा यात्रा करने वाले होते हैं, तो उन ट्रेनों का भी परिचालन प्रारंभ होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसी ट्रेन जिसका स्टॉपेज कुछ सर्टेन स्टेशन पर होना चाहिए वो भी मांग थी कि उनका स्टेशन हो जाए। फिर हमारे क्षेत्र के लोगों की तो सबसे बड़ी मांग थी कि लखनऊ तक किसी प्रकार का कोई मतलब कि उनको सुविधा उपलब्ध नहीं है जाने के लिए, पहले त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस हुआ करती थी वो बंद हो गई है, तो उसके बाद से कोई उनको डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो ये सारी मांगे थे जिस पर हम लोगों ने मतलब विस्तृत रूप से चर्चा की और रेल एडमिनिस्ट्रेशन का खास करके जीएम साहब का और डीआरएम साहब का और उनके पदाधिकारियों का सकारात्मक रुख था, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जनता को इसका लाभ मिलेगा। हमारा ठहराव को लेके, नई ट्रेन को लेके ये तो स्वाभाविक डिमांड रहता ही रहता है, खास करके धनबाद और इससे जुड़े जो क्षेत्र हैं, चाहे वो हजारीबाग जिला हो, रामगढ़ हो, चतरा जिला हो, लातेहार, पलामूगढ़, बल्कि मध्य प्रदेश तक, तो लोगों की जो अपेक्षा रहती है वो भी हम लोगों ने रखा है, कुछ पूरा हुआ है और कुछ पूरा होने की शीघ्र संभावना है। और एक हम लोगों ने विशेष रूप से आग्रह किया है कि धनबाद से अयोध्या होते हुए लखनऊ, तो ये ट्रेन हम लोगों ने डिमांड किया है, सकारात्मक जवाब आया है और हम लोगों को लगता है देखें कब तक पूरा करेंगे। आज की बैठक सभी माननीय सांसदों के साथ जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए थी, हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधाएँ जनता को मुहैया करा पाएँ, उसमें और क्या सुधार कर सकते हैं,
और क्या किया जा सकता है जिससे कि जो अपने गिवन सिस्टम है उसमें अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छी ट्रेन सर्विस मिले और लोग आराम से ट्रैवल कर पाएँ। भारतीय रेल 1309 स्टेशन पर अच्छी स्टेशनों का रख पुनर्विकास कर रही है, उसमें अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये पहला चरण है, इसके बाद और स्टेशन भी लिए जाएंगे। 1309 स्टेशन में 92 स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के हैं, हमारी रेलवे के हैं, और उसमें से 15 स्टेशन धनबाद मंडल के हैं। उन्हीं सभी 15 स्टेशनों पर काम शुरू हो गया है। धनबाद स्टेशन के लिए भी DRM साहब ने प्लानिंग कर लिए, डिटेल प्लानिंग बना के रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। अप्रूवल होने के बाद यहाँ भी काम शुरू हो जाएगा। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।